unites.com redefining Bollywood. 100 टुकड़े मेरे लिए बहुत ही चैलेंजिंग प्ले है और सोलो एक्ट प्ले है. यहाँ पे सोलो कैरेक्टर है इसमें, सोलो एक्टर है इस प्ले में. और मेरे ख्याल से मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट और बहुत चैलेंजिंग है, बट एट द सेम टाइम मेरे ख्याल से ऑडियंस के लिए भी ये बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि ऑडियंस ने सोलो एक्टर प्ले ज़रूर देखे होंगे लेकिन इसमें एक एक्टर को 13 कैरेक्टर निभाते हुए नहीं देखा होगा. मेरे ख्याल से पहली बार थिएटर में ऐसा हो रहा है. तो मैं यही कहना चाहूँगी कि आप प्लीज़ मीनल का नरेशन ज़रूर देखें जिसमें वो 13 कैरेक्टर्स. अगर आप एक लड़की हैं, ठीक है, आप एक दूसरी लड़की या तीसरी लड़की बन सकती हैं. कभी कभी अगर आपको लड़का बनाया जाए तो आप लड़का भी बन सकती हैं, लेकिन अलग अलग एज ग्रुप के 4-5 लड़के नहीं बन सकते. कैरेक्टर्स निभाने थे और फीमेल्स में तो बहुत सारे. देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी कि टीवी जो है बहुत छोटा क्लोजअप मीडिया है, जिसमें आप बॉडी से तो एक्ट कर नहीं पाएंगे क्योंकि वो इतना ही रहता है. तो उसमें आपको आँखों से ही परफॉर्म करना पड़ता है, क्योंकि आप इन सब से परफॉर्म नहीं कर पाते. परफॉर्मेंस आँखों से ही होती है, तो इसलिए आँखों से वो पूरा एपिसोड निकाल देती हैं. लेकिन थिएटर के बारे में ये कहूँगी कि मैं एक टेलीविजन एक्टर हूँ जिसने अभी तक आँखों से एपिसोड निकाला है, और ये पहली बार है कि मैं थिएटर में पूरी बॉडी से परफॉर्मेंस करने वाली हूँ. देखिए क्या होता है कि टेलीविजन जो होता है, मतलब कोई भी फिक्शन एक्चुअली काल्पनिक होता है, और फिक्शन जो होता है, जो कल्पना होती है, कल्पना हमेशा उस इंसान की होती है कि अगर वो किसी खूबसूरत लड़की के बारे में कल्पना करते हैं तो वो हमेशा खूबसूरत होती है. अब आप रियलिटी में सुबह उठते हुए, मतलब जो खूबसूरत एक्ट्रेस बता रहे हैं आप कि हमारा ये कैरेक्टर बहुत खूबसूरत है, वो सुबह उठते हुए गंदी आँखों में कीचड़ लिए हूँ यहाँ ये सब ये वैसे तो नहीं उठ सकता ना. उसे सुंदर ही दिखाना पड़ेगा, तो वो थोड़ा मेकअप लगा के उसे दिखाते हैं ताकि ये बंदा, ये कैरेक्टर इतना सुंदर है कि वो सो के भी उठता है तो इतना सुंदर लगता है. सबसे पहले तो अपने ऑडियंस का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि उन्होंने मुझे बहुत सारे वोट्स देकर जिताया. और मैं नहीं जानती कि जिन्होंने मुझे वोट दिया उनमें से कितने मेरे थिएटर तक आएंगे देखने के लिए, लेकिन मैं सबसे गुजारिश करूंगी उनसे भी जिन्होंने मुझे वोट दिए और उनसे भी जिन्होंने मुझे वोट नहीं दिए, सबसे मैं गुजारिश करूंगी कि प्लीज़ आप मेरा ये प्ले देखने ज़रूर आएँ. एज एन एक्टर मैं आप सबका साथ चाहती हूँ कि आप आएँ और आप देखें कि मैं किस अपने करियर के किस मोड पर पहुँची हूँ, आपके कसौटी पर, आपके उम्मीदों पर मैं खरी उतर पाई हूँ या नहीं. सो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू टू प्लीज़ कम. और जितने भी फिल्मों से मैं जानती हूँ, जितने मेरे फ्रेंड्स हैं, मैंने सबको इन्वाइट किया है. और मैं जानती हूँ कि मैंने जिन्हों को भी इन्वाइट किया है सारे के सारे ज़रूर आएंगे, पर मैं ये प्रॉमिस नहीं कर सकती कि वो फर्स्ट शो में ही आएंगे. जितनी बार ये शो होगा एक एक करके मैं पूरी गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि सारे के सारे आएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. क्लिक ऑन द सब्सक्राइब बटन एंड स्टे ट्यून्ड.